हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कौन कौन से बारबेरियन किंग की हीरो स्किन आपको ट्रेजर हंटिंग इवेंट के दौरान लेजेंडरी चेस्ट को ओपन करने पर मिल सकता है एंड लेजेंडरी चेस्ट के स्पिन करने से हीरो स्किन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है फॉर ईच टाउन हॉल लेवल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्चर क्वीन की कौन कौन से हीरो स्किन अवेलेबल है इस ट्रेजर हंटिंग इवेंट के दौरान। किंग की तरह क्वीन की भी जो हीरो स्किन आपको ऑन व्यू देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स वो भी गोल्ड क्लास के होंगे, बट बारबेरियन किंग के हीरो स्किन से तो बढ़िया ही मिलेंगे डैश फॉर श्योर। किंग के 15 स्किन अवेलेबल है इस इवेंट के दौरान, वहीं क्वीन की बात करें तो 16 स्किन्स अप फॉर ग्रैब्स हैं। आइए एक एक करके देखते हैं आर्चर क्वीन की सारे अवेलेबल हीरो स्किन को। सीक्वेंस वाइज आर्चर क्वीन के अवेलेबल स्किन्स को देख लेते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर अराइवल इन द गेम। फर्स्ट ऑफ 16 अवेलेबल आर्चर क्वीन की जो स्किन है वो है ग्लैडिएटर क्वीन फ्रॉम मे 2019 वाया गोल्ड पास के थ्रू आपको देखने को मिला था। सेकेंड नंबर पर वाल्किरी क्वीन जिसका कि राइवल है जुलाई 2019। तीसरे नंबर पर बात करें फ्रेंड्स तो ये है ऑटम क्वीन जो कि आपको देखने को मिला था सेप्टेम्बर 2019 में फर्स्ट टाइम विथ गोल्ड पास। अदर स्किन्स जो आपको मिल सकते हैं वो है चौथे नंबर पर आइस क्वीन नवंबर 2019 से। आइस क्वीन को मैंने परचेज किया था जब ये आया था किसी एक टाउन हॉल पर। पाँचवें नंबर पर बात करें तो प्राइमल क्वीन कुछ खास नहीं है पर ये मार्च 2020 से है और ये अवेलेबल है इस ट्रेजर हंटिंग इवेंट के दौरान। ओके, छठे नंबर पर क्लॉक वर्क क्वीन फ्रॉम जून 2020। क्लॉक वर्क का तो सारा स्किन बहुत ही बढ़िया था पूरा, अगर आपके पास सेट हो तो काफ़ी बढ़िया है। सातवें नंबर पर पायरेट क्वीन कुछ खास नहीं सेप्टेम्बर 2020 से। वहीं अगर आठवें नंबर पर क्वीन के स्किन की बात करें तो ये है रोग क्वीन फ्रॉम फेब्रुवरी 2020। नौवें नंबर पर बात करें फ्रेंड्स तो जंगल क्वीन और ये काफ़ी फेमस हुआ था जब ये आया था जून 2021 से। और दसवें नंबर पर पार्टी सेट का आपको पार्टी क्वीन मिलेगा फ्रॉम अगस्त 2021 से। पार्टी वार्डन का तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता है। ग्यारहवें नंबर पर बात करें तो शैडो क्वीन आपको मिलेगी जनवरी 2020 से। और 12 नंबर पर देख लेते हैं तो वो है माइनर क्वीन फ्रॉम मे 2022। ओके, लास्ट फोर जो स्किन आपको मिल सकता है उसमें 13वें नंबर पर है समर क्वीन फ्रॉम जुलाई 2022। और 14वें नंबर पर जो हीरो स्किन अवेलेबल है आर्चर क्वीन की वो है स्पूकी क्वीन जो आपको हेलोवीन 2022 में मिला था। हेलोवीन मंथ आप जानते हो फ्रेंड कैसो क्लैंस में अक्टूबर का होता है और ये अक्टूबर 2022 में आपको देखने को मिला था स्किन। 15वें नंबर बात करें तो जॉली क्वीन दिसंबर 2022 में। और लास्ट जो 16वें नंबर पर अवेलेबल हीरो स्किन है वो है गॉबलिन क्वीन फ्रॉम जून 2023। जो नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में जब हम लोगों ने बारबेरियन किंग के सारे स्किन को आपको दिखाया था। एक बार फिर से उसको जल्दी से देख लेते हैं। जो प्रोबेबिलिटी है लेजेंडरी चेस्ट के ओपन करने पर हीरो स्किन मिलने की हर टाउन हॉल पर वो डिफर करता है। टाउन हॉल 7 पर वो 53% है, वहीं टाउन हॉल 8 पर ये थोड़ा सा ड्रॉप होकर के 42.11% पर हो जाता है। अगर बात करें टाउन हॉल 9 और टाउन हॉल 10 की तो यहाँ पर बारबेरियन किंग और आर्चर क्वीन की लगभग 21% के आसपास आपको प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगी। टाउन हॉल 11 और टाउन हॉल 12 पर 14.04, वहीं एक और भी ज़्यादा नीचे गिर जाता है टाउन हॉल 13, 14, 15 और 16 पर जहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी रह जाती है 10.53 एक लेजेंडरी चेस्ट को ओपन करने पर। ये जो प्रोबेबिलिटी मैंने फ्रेंड्स आपको बताया ये सुपर सेल के द्वारा अनाउंस्ड है। और एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ ये जो प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हो लेजेंडरी चेस्ट के ओपन करने पर हीरो स्किन मिलने की प्रोबेबिलिटी है फॉर ईच टाउन हॉल लेवल जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रैंड वार्डन और रॉयल चैंपियन की कौन कौन से हीरो स्किन अप फॉर ग्रैब्स है दिस ट्रेजर हंटिंग। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के अमंग एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स।